स्वागत है आपके अपने चैनल बीटी स्पिरिचुअल पर। आज हम लेकर आ रहे हैं मूलांक 9 वालों की 2021 में जनरल रीडिंग। आप सब बहुत ही अच्छे से ये आशीर्वाद ले सकते हैं, ब्लेस ले सकते हैं। आप भगवान जी का ब्लेस मैंने पूरे मूलांक में सभी लोगों के लिए ये सेंड किया है। वैसे हमेशा ही सेंड करती हूँ, पर आप लोग अच्छे से इस दिए में देख कर और अच्छे से प्रणाम कर सकते हैं। और फिर हम बताते हैं मूलांक 9 वालों का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जिनका भी जन्म आप बिल्कुल देख सकते हैं। जिनका भी जन्म आप देख सकते हैं 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को, किसी भी मंथ के 9 तारीख को, 18 तारीख को, 27 तारीख को यदि आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो आपका मूलांक जो है 9 अंक होता है। 9 अंक के जो स्वामी ग्रह है वो मंगलदेव जी हैं, और जिसकी वजह से आप में बल, साहस, पराक्रम बहुत अच्छा होता है, मतलब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। और जो मंगल ग्रह है वो भाई बहन के, सेना के, अग्नि के, क्रोध के कारक होते हैं, तो थोड़े से क्रोध की मात्रा आप में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। हर किसी में नहीं, पर किसी किसी में। अंकों में यह सबसे लास्ट अंक एकल, जैसे कि हमने आपको बताया कि 31 को अगर हम जोड़ते हैं तो 4 अंक होते हैं, उस तरीके से 9 अंक जो है एकल लास्ट अंक होता है। आप एक सशक्त और बलवान व्यक्ति भी हो सकते हैं, आप मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं और फिजिकल रूप से भी बहुत ज़्यादा, बहुत हष्ट पुष्ट व्यक्ति होते हैं, और दोनों में से एक में तो आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे होते हैं। अच्छा, आप हार स्वीकार नहीं करते, आपको डोमिनेटिंग होना, कोई अगर आपको डोमिनेट कर रहा है या इस तरीके से, आप उस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप अपने कार्य को बिल्कुल अंजाम देने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं आपके अंदर, क्योंकि वो आपके अंदर बहुत इंकरेज होता है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। कभी कभी आपको क्रोध ज़्यादा आ जाता है, बस उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए। और अगर किसी कारण से आपको फिजिकल जो है वीकनेस अगर आता है, आत्मविश्वास की कमी होती है, तो आपको श्री हनुमान जी की शरण में पूरी तरीके से रहना चाहिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आपको मंगलवार के दिन करना चाहिए, और अगर हो सके तो एक लाल फल भी अर्पण करना चाहिए। अच्छा, आप कभी कभी, कुछ लोगों के लिए है ये कि आप ऊपर से बहुत ज़्यादा सख्त नज़र आ सकते हैं लेकिन अंदर से बहुत कोमल होते हैं, और आप अपने अधीनस्थ, कभी कभी आप बॉस भी होते हैं तो आपके अधीनस्थ जो भी कर्मचारी होते हैं उनका आप ज़्यादातर ख्याल रखते हैं, और जिसकी वजह से आप उनमें एक लोकप्रिय होते हैं। आपके अंदर स्वाभिमान होता है, मतलब ठीक होता है, स्वाभिमान नॉर्मल होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं तो फिर बस आपको थोड़ा सा धैर्य के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रोध करते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। जब आप पूजन करने के लिए बैठते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बिल्कुल भगवान का स्मरण करना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर बिल्कुल आपको सब साइड एक साइड करके आपको किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह जरूर लेना चाहिए। और आप सभी के लिए, जितने भी 9 अंक वाले हैं, एक बहुत अच्छा उपाय आप लोगों के लिए है, श्री हनुमान जी की शरण में रहें, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें मंगलवार के दिन। और जैसा मैंने कि कहा कि आप का जो मेन, जो आपका निगेटिव पार्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन आपका जो क्रोध है कभी कभी ज़्यादा होता है, बस उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए। जिसकी वजह से क्या होता है कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही बोल रहा है और कौन आपके लिए सही नहीं है, इस चीज़ की आपको क्रोध की वजह से पहचान नहीं हो पाती है, तो बस इसका ध्यान रखिए। अब हम आपकी टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2020 में
कुछ ऐसी चीजें हुई है 9 अंक वालों के साथ, या तो उनकी स्वयं के साथ ऐसा हुआ है कि या तो उनके वर्क प्लेस में या वो उनके पर्सनल लाइफ में या उनके प्रोफेशनल लाइफ में वो स्वयं इस चीज को महसूस कर किए हैं और करते हुए आए हैं कि कुछ ना कुछ उनसे कुछ ऐसी छोटी सी गलतियां हुई है जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, चाहे वो उनके पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन पर कहीं ना कहीं टावर मोमेंट बिल्कुल आया है, या तो किसी की सेहत के साथ या तो फिर कोई अपने किसी के प्रोफेशनल लाइफ में या किसी के पर्सनल लाइफ में, ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि जनरल रीडिंग है। 2020 में ऐसी कुछ चीज़ हुई है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि ये जो चीज़ें हुई है वो आपके कार्मिक लेसन से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी इनरिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी है। जैसे कि अगर आप अच्छा करते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स अब 2021 में आए हैं, क्योंकि हम जो भी करते हैं हमको उसी का ही फल प्राप्त होता है, तो बिल्कुल 2020 में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन एक बदलाव आपके अंदर आया है, आपके स्वयं के अंदर बदलाव आया है। आप जिस तरीके से थे अगर आप पलट कर देखेंगे, आप जैसे थे, आपके साथ ये जो भी सिचुएशन हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अच्छी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आया है। आप जैसे थे उससे आप बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। मुझे बिल्कुल ये जब मैं कार्ड निकाल रही थी, मैंने जितने भी कार्ड्स निकाले उसमें मुझे ये चीज़ें नज़र आई हैं। बस एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो मुझे चैनल मैसेज आ रहा था जब मैंने ये न्यू डेक जब निकाला, आपको फिर से पीछे उस तरीके से नहीं होना है, नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप फिर से पीछे जाते हैं तो आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब बोलते हैं ना, जब आगे जाते हैं तो इंसान बढ़ते हैं, पीछे जाते हैं तो पीछे, तो वो पूरी तरीके से आपके ऊपर रहेगा। अब आप जिस तरीके से चल रहे हैं आपको उसी तरीके से चलना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन में किसी ऐसे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा साथ रहा है, और कहीं ना कहीं आप उसके बाद स्पिरिचुअल हुए हैं। कोई ऐसा व्यक्ति, वो मुझे महिला बहुत ज़्यादा लग रही है, किसी ऐसे महिला का आपको सपोर्ट प्राप्त हुआ है जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गॉड की कृपा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने उनसे कहीं ना कहीं आपका पास, जैसे कि हम ये देख रहे थे कि कार्मिक, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें, कुछ अच्छा भी जो आपने किया था उसका आपको प्रतिसाद बिल्कुल मिला है और मिलने भी वाला है 2021 में, अगर आप उनके साथ बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल भी आप अच्छे तरीके से अगर आप उनके साथ रहते हैं तो फिर आपके लिए बिल्कुल अबंडन है। जैसे कि मैंने कहा कि वो आपके ऊपर है, अगर आप फिर से ऐसा कुछ करते हैं बाकी लोगों के, क्योंकि ये जो व्यक्ति है वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा अबंडन है, बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं, बोलते हैं कि कई कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं उसके बाद मिलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं मिला है, तो गॉड गिफ्टेड है, आप उनको संभाल कर रखें। आप उनके साथ बहुत ही पोलाइट, मतलब आप उनके साथ एकदम दिल साफ कर ही रहें, उनके ऊपर आप बिल्कुल भी डाउट ना करें, क्योंकि अगर आप उनके ऊपर डाउट करते हैं आप फिर से पीछे जाते हैं, आप अपने ऊपर डाउट करते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल, और उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं संबंध 6 अंक से होगा पूरी तरीके से। कोई ऐसा व्यक्ति, या तो वो मुझे पृथ्वी तत्व का व्यक्ति लग रहा है, अगर वो बॉयज भी है लेकिन उसके अंदर एक इनोसेंस, एक मतलब ममता जो होता है ना, जैसे कि मदर में होता है, उस तरीके से वो फादर फिगर भी हो सकता है। किसी किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, उनका जो संबंध है 6 अंक से रहेगा। ऐसे व्यक्ति का जो सलाह है, अगर आप बिल्कुल मानेंगे, ऐसे व्यक्ति को आप अपने करीब रखें 2021 में, क्योंकि आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, आपके जिस तरीके से आप कार्य करते हैं उसी तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो बिल्कुल आपका ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा दिखा रहा है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट ये करना है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव इंसान के साथ रहना है, और आपके पास पॉजिटिव इंसान बिल्कुल है 2021 में, मुझे ये नज़र भी आ रहा है। और आप देख सकते हैं अबंडन, आपको
बिल्कुल 2021 में आप और ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। 2021 के 3 से 4 महीने के बाद मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल के आसपास आपको इन सारी बातों का अपने अंदर, कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस चीज को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन आप 3 4 महीने के बाद आपको ये एहसास होगा, आप अपनी स्वयं की जो निगेटिविटी है उसको हटाएंगे, आप अपनी स्वयं की सोच को बहुत अच्छा करेंगे। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल मुझे लग रहा है, 3 4 महीने के बाद आप और भी ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे। और किसी कहीं ना कहीं किसी ऐसे स्थान की यात्रा भी मुझे लग रही है कि आप करेंगे, जहां पर आपको मतलब एक स्पिरिचुअल वो आपकी जर्नी भी हो जाएगी। आप जाएंगे पर्सनल लाइफ से या प्रोफेशनल लाइफ से, लेकिन वहां पर आपका जो वो यात्रा है वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल यात्रा भी मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने काम से जाएंगे, लेकिन वहां पर आप किसी भी, आप जिस भी मानते हैं, जिस भी देवी, आप वहां पर जरूर जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और वहां पर आपकी हीलिंग होगी, वहां पर आपको वाकई में अंदर से आपकी, आपका दिल ये बताएगा कि सच में आपसे क्या, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये स्वयं आपके ऊपर बोलते हैं कि कृपा तो बिल्कुल वो होगी आपके साथ। और मुझे ये अप्रैल और मई जून के मंथ में बहुत ज्यादा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा लग रहा है। उसके बाद आप बिल्कुल इस तरीके से एक नई शुरुआत होगी आपकी, बहुत ज्यादा प्लेफुलनेस, बहुत ज्यादा हंसी खुशी, बहुत ज्यादा अच्छे से आप रहेंगे, जिस तरीके से आप शायद बहुत पहले रहते रहे होंगे। जब हम बच्चे रहते हैं, जब हमारे पास कोई भी तनाव नहीं रहता, हमारे मन में किसी के लिए भी कुछ भी गलत नहीं रहता, तो हम जिस तरीके से रहते हैं, हम सबके साथ बहुत मन से बहुत ज्यादा इनोसेंस हम रहते हैं, उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि बिल्कुल आपके साथ होगा। और ये बिल्कुल लास्ट में मुझे लग रहा है आप ये सारे कार्य करेंगे, उसके बाद जो लास्ट करेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके लिए बिल्कुल बहुत इंजॉय करेंगे आप। कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में भी एक बहुत ज्यादा मतलब अबंडन, बहुत ज्यादा सफलता सक्सेस, और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपको प्राप्त होगा। किसी ना किसी के लिए ऐसा चैनल मैसेज आ रहा है कि आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें प्राप्त होंगी जो आप चाहते थे दिल से। आपके प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ज्यादा लग रहा है, पर कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में भी लग रहा है, आप जिस इंसान को डिजर्व करते थे आपको वैसा ही इंसान बहुत ज्यादा इमोशनली बहुत ज्यादा अच्छा आपको बिल्कुल रखेंगे। मुझे ऐसे ऐसी एनर्जी आप लोगों की आ रही है, बिल्कुल आपको ये सारे कार्य करने चाहिए। अब हम लेते हैं आप लोगों के लिए साईं बाबा का मैसेज, आपके लिए 2 मैसेज आया है। मौन, कहीं कहीं पर आपको बिल्कुल साइलेंस बनाकर रखना चाहिए और मन में भी साइलेंस रखना चाहिए। जैसे हम बिल्कुल, जब हम चुप रहते हैं तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में कोई बातें चलते रहती है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो आपको उस समय आप मौन तो हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग को भी शांत रखना है, अपने दिल को भी शांत रखना है, बिल्कुल आपको भगवान के भरोसे रहना है। तो मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज्यादा ये कारगर है आपके लिए, साईं बाबा का मैसेज है। फिर है जीवन की पुस्तक, आप बिल्कुल देख सकते हैं, जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। तो बिल्कुल अगर कुछ आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ भी उतार चढ़ाव इस तरीके से आए हैं, तो अच्छी चीजें भी आपके लाइफ में रही होंगी और अच्छी चीजें भी आपके लाइफ में आएंगी। जिस तरीके से आप पॉजिटिव सोचेंगे, जिस तरीके से आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आपके लाइफ में वो सारे अबंडन बिल्कुल एक एक करके आएंगे। फिर आपके लिए मेजर चेंज है, आप बिल्कुल देख सकते हैं एक नई शुरुआत मुझे लग रहा है 2021 में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में कुछ लोग नई शुरुआत करेंगे, और कुछ लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल लाइफ में या तो आपको कोई अच्छा जॉब का अपॉर्चुनिटी प्राप्त होने वाला है, या तो उसी जॉब में आप बहुत ज़्यादा बेहतर करने वाले हैं। और आप बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने जो भी गलतियां आपको लगता है कि आपसे हुई है, या किसी को पहचानने में, या किसी भी स्थिति परिस्थिति में, उस चीज को आप फिर से नहीं दोहराएंगे, उस सारी चीजों को आप बिल्कुल टावर मूवमेंट में छोड़ देंगे। और उसके बाद आपके लाइफ में एक न्यू चेंज आएगा, एक न्यू बिगनिंग आएगी आपके लिए। न्यू बिगनिंग का एक कार्ड और ऑलरेडी आ चुका है। फिर उस तरीके से आपको दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, बिल्कुल आपको
माता जी का भी पूजन करना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है। और आपके अंदर जब पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी तो आप स्वयं अपने आप को बहुत ज्यादा सकारात्मक, बहुत ज्यादा पॉजिटिव, अगर आप महिला हैं तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव आप महसूस करेंगे। आपके अंदर दया, भाव, ममता सब कुछ रहेगा जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से, बिल्कुल बदलाव आपके लाइफ में जब आएगा पॉजिटिव, तो आप बहुत ही और ज्यादा प्योर आप होने वाले हैं। आपके लिए 2021 ठीक है, अच्छा है, स्टार्टिंग 2-3 महीने के बाद आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा मुझे लग रहा है। अब आप देख सकते हैं न्यू बिगनिंग का जो मैं कह रही थी कि आपको अपने अंदर, जैसे कि हम किसी भी चीज में बैलेंस करते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस 2-3 महीने में स्टार्टिंग में आप इन सारी चीजों को आप बिल्कुल सोचेंगे कि क्या चीज अच्छा है, क्या आपने अच्छा, क्या आपको और अच्छा करना चाहिए, क्या आपने अच्छा किया है, क्या आपको और पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्या आपको किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ मैं बार बार यही कहती हूँ कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही चीज़ आपके पास वापस रिटर्न आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा, और एक चीज़ लग रहा है मुझे आप लोगों के लिए, एक अंक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्व बिल्कुल रखेगा, मुझे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल आप लोगों के लिए एक अंक और 2 अंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए ये 2021 में कुछ ऐसी चीज़ें, आपको जो भी अच्छी चीज़ें या ज्ञान आपको प्राप्त हो सकती है इस दिन, या इस दिन कुछ खास किसी किसी के लिए होगा ऐसा भी हो सकता है, तो आप लोगों के लिए 2021 2-3 महीने के बाद बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आप एक बात मैं और कहना चाहूँगी आप लोगों के लिए, मुझे एनर्जी आई कि आप जो दूसरों के लिए आप सोचेंगे वही चीज़ आप बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे 2021 में, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है 9 अंक वालों के लिए। तो बिल्कुल आप अपनी सोच को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें, जो करते हैं उनको छोड़ दीजिए, आप भगवान की शरण में रहिए पूरी तरीके से। मुझे आप लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है इसलिए मैं कह रही हूँ आप पूरी तरीके से पॉजिटिव रहें तो आपका 2021 वैसे ही जाएगा जैसे आप रहेंगे। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे आपका 2021 उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थी मूलांक 9 वालों की 2021 की रीडिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबको दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। कुछ लोगों के क्वेश्चंस कमेंट में आ रहे हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का जो पाठ है चमत्कार है, आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ये मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है इसलिए मैं सारे कमेंट्स इसके बिल्कुल रीड करती हूँ। एक गर्ल्स हैं, उनका उन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या लड़कियाँ कर सकती हैं। बिल्कुल लड़कियाँ कर सकती हैं, आप बिल्कुल पूरी तरीके से अच्छे से नियम से आप पता करके जानकारी लेके आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप दूर बैठ कर करें, आप दिया लगाएं और जो भी आप पुष्प, लाल पुष्प आप चढ़ाने के लिए दे सकते हैं मंदिर में पंडित जी को, और आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। एक भाई साहब ने भी पूछा है कि उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि बिल्कुल आप ये कर सकते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का आप पाठ करें मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, हो सके तो 7-7 बार आप करें। जिन भाई साहब ने कमेंट किया है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ, और आप लोग जो भी करें एकदम दिल से करें, बिल्कुल ये ना सोचें कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, आप अपने मन में बिल्कुल भी संशय ना रखें। जैसे आप कार्य करते हैं तब आप संशय नहीं रखते हैं, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो भी आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप एकदम पॉजिटिव सोच के साथ पूर्ण भरोसे के साथ आप कार्य करें, और बिल्कुल श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी पर भी वैसे ही रहेगी जैसे हमारे ऊपर है। मैं और भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें पूरी तरीके से पॉजिटिव आप लोगों को बिल्कुल जो भी चमत्कार हो रहे हैं आगे भी मैं वो बताऊँगी आपको। और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव कमेंट करें फ्रेंड, जितने भी पॉजिटिव कमेंट्स रहते हैं मैं उनको बिल्कुल देखती हूँ और उनका रिप्लाई करती हूँ। निगेटिविटी मुझे पसंद नहीं है तो मैं निगेटिव कमेंट्स को या तो मैं देखती ही नहीं हूँ,
या मेरे टीम देखते नहीं है या डिलीट कर देते हैं। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, प्रभु वीर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय माता दी।